आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड सम। यहाँ पे Tn किसी टर्म का वैल्यू दिया है, Tn इक्वल टू इतना, तो बोल रहा है S6 माइनस S3 का वैल्यू बताओ। S माने सम ऑफ सिक्स टर्म, मतलब छः नंबर का टोटल दिया है और उसमें से माइनस करना है शुरू से थ्री नंबर का टोटल। माइनस करने के बाद क्या होगा वो वैल्यू बताना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, S6 का मतलब क्या होता है, छः नंबर, शुरू से छः नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, छः टर्म हुआ, छः नंबर का ये नंबर दिया है, सबका टोटल में से शुरू के तीन नंबर का टोटल बाद दे देना है, ये ठीक है। तो उसके बाद जो बचेगा ये वाला बचेगा, ये यानी हमको फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का जो टोटल होगा वो बताना है। तो हम फोर्थ टर्म यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्थ टर्म मतलब चौथा नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर कौन सा है और छठवा नंबर कौन सा है, ये अगर तीनों नंबर पता चल जाएगा तो हम उसको ऐड करके निकाल देंगे। तो यहाँ से मालूम हो जाएगा फोर्थ टर्म कितना होगा, तो T4। तो T4 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे n की जगह पे, तो ये हो गया 4² - 1, 4+1, 4 + 16 में से 1 गया 15/5, 3 हो गया, चौथा नंबर पता चल गया, अब पांचवा नंबर पता करना है, तो 5² - 1/5+1, 25 में से 1 गया 24 और ये 6, तो ये भी हो गया 4, और छठवा नंबर पता करना है, तो 6² - 6+1, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 5, बाद में चला गया, कट गया। तो अब इसका टोटल करना है, माने T4, T5 और T6, चौथा नंबर पांचवा नंबर और छठवा नंबर का टोटल करना है, मतलब ये हो गया 3, 4 और 5, तो ये आ गया 12। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसका मतलब समझना पड़ेगा, शुरू से लेके 6 नंबर का टोटल माइनस शुरू से लेके 3 नंबर का टोटल, तो तीन नंबर तो ऐसे ही निकल जा रहा है, तो बच रहा है चौथा नंबर पांचवा नंबर और छठवा नंबर, तो वो नंबर कौन कौन से है यहाँ से इजीली पता कर सकते हैं। यहाँ पे T4 माने चौथा नंबर, ये पता चल गया, इसको टर्म बोलते हैं फोर्थ टर्म, और सिंपल मतलब में कि चौथा नंबर कितना है, पांचवा कितना है, छठवा कितना है, तो ये अलग अलग पता चल गया, बस ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर कल एक नए सम के साथ इसी समय पर।